यहाँ पर साड़ी 850 रुपये से स्टार्ट है और 25,000 तक है साड़ी, तो देख सकते हैं। It is like real बनारसी साड़ी, देखो see how gorgeous it is looking। पहले बोलते रहते हैं बनारसी साड़ी बनारसी साड़ी, अब हम आकाश से साड़ी लेके जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा असलियत पे भरोसा है इसकी। देखो कितनी प्रिटी है यार, मतलब अच्छे अच्छे पैटर्न से। किसी को जाना है मिर्ज़ापुर जाना है या BHU गाजीपुर, ये तो दिल्ली में भी है यार, मुझे मिर्ज़ापुर जाना है। कितना सुंदर लग रहा है ना ये, फोन वन तो अलाउड है ना, सब अलाउड है, फोटो खींचना खाली मना है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, एकदम से बारिश हो गई। अरे बनारस क्या कर रहे हो यार, लेकिन इतना सही लग रहा है ठंडा कब, इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी बनारस का, और हम अपने बैटरी रिक्शा से दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं। अभी तक मैं कंप्लेन कर रही थी गर्मी है गर्मी है गर्मी है, एकदम भगवान ने मेरी सुन ली कि इतनी ठंडक कर दी कि बारिश कर दी, और पहले हम पसीने से भीग रहे थे और हम बारिश से भीग रहे हैं अभी। तो एनीवेज हम भारत माता टेंपल आ चुके हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा मैप है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए। बट एक ये चीज़ है कि यहाँ पर लाइट चली गई, साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे बारिश की वजह से। मैं दिखा सकती हूँ मेजॉरिटी में उतना दिखा पाऊंगी, बिकॉज लाइट का कुछ पता नहीं कब आएगी। तो हम चलते हैं अंदर, चलो। सी तो आप देख सकते हो जो ये बैठा हुआ इलाका है, ये थोड़ा मैदानी इलाका है अपने मैप का, इन भारत माता के मैप का, और ये जो उठा हुआ इलाका है ये सारा पर्वत को शो कर रहा है, कि सारे हिमालयन रेंज वगैरह को शो कर रहा है। इधर की साइड पाकिस्तान आ जाता है और उधर की साइड नेपाल भूटान, जो भी पहाड़ी इलाका है, तो ये इंडिया से कनेक्टेड है, उन सब का मैप भी यहाँ पर शो रखा है। भारत माता की जय। ये क्या है, देखो ये क्या है, ये भी कुछ बंद हो गया, मंदिर टाइप का ही था। अलग अलग
माता टेम्पल। सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर। सारी जगह ऐसा ही है। इस मंदिर में तुलसी मानस मंदिर है, सत्यनारायण तुलसी मानस, और हर दीवार पे ऐसे दोहे लिखे। ये मानस प्रदर्शनी थी और 5 रुपए की टिकट में हमें पुल दिखाया जा रहा है। देखो 5 रुपए की टिकट ली है, श्री राम जन्म हो रहा है यहाँ। ये पूरा रामचंद्र जी का वो पूरा बैंड का बना रखा जानबूझ के अग्नि दिखाने के लिए ना। हवा गर्म हवा निकल रही है। अच्छा हाँ गर्म हवा निकल रही है। सीता अग्नि परीक्षा, ये सीता अग्नि परीक्षा के लिए है। अभी कौन वाराणसी में हमारा खुद का स्वागत है, हम खुद कर रहे स्वागत। चलो चलते हैं अंदर। ये पुराना वाला लग रहा है, मतलब ये बहुत पहले बना होगा, क्योंकि जो अब बन रहे हो तो बहुत ही बड़ी उसको बन रहे। चलो घंटी बजाते हैं इसमें। उनका प्रसाद गर्मा गर्म मिला है, खिचड़ी का प्रसाद। ये मेन्यू है और हमने बिना प्याज का मंगवाया है। और देखो भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हाय गाइस, सो वी आर एट केसरी एसी रेस्टोरेंट, जो बिल्कुल मंदिर से आई गेस 20-25 स्टेप के बाद ही है। मेन काशी विश्वनाथ टेंपल से 20-25 कदम की दूरी पे ही पड़ेगा ये, और मार्केट से एकदम पास है तो आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर हम ऑर्डर कर रहे हैं कुछ बिना प्याज और बिना लहसुन का, नो अनियन नो गार्लिक। तो हमने ऑर्डर किया है बटर नान, लच्छा पराठा, और सब्जी में ऑर्डर करा है मलाई कोफ्ता एंड पनीर बटर मसाला। सो वी आर वेटिंग एंड फिर आपको बताएंगे कैसे। जब
तक पानी पीते हैं। ओके, तो हमने ऑलरेडी कर दिया स्टार्ट खाना। देखो यहाँ पर है बटर मसाला, तो हम पहले ट्राई करते हैं। डेली जैसा टेस्ट तो नहीं आएगा क्योंकि नॉर्थ इंडियन है, लेकिन अच्छा है टेस्ट। अब हम खा रहे मलाई कोफ्ता, तो हम ट्राई करते हैं। देखो इनका ना पूरा अच्छे से स्टफ है पनीर। लेट्स सी। मलाई कोफ्ता बढ़िया है अगर किसी को मीठा थोड़ा सा मीठा, क्योंकि मलाई कोफ्ता मीठा ही होता है। और बिल्कुल जो कोफ्ता है वो अच्छे से पनीर से फिल्ड है और काजू से भी फिल्ड है, तो ये काजू और पेस्ट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो बनारस आए और पान नहीं खाए, तो क्या खाक बनारस आए, इसलिए हमने ले लिया है पान ट्राई करने के लिए। और ये रहा पान। और अब मैं बोल सकती हूँ भाई के पान बनारस वाला। एक साथ ही खा जाता है, बहुत बड़ा लग रहा है। चलो कमी एंड